बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम मॉड्यूल 162 डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 162 है अबाउट सेटिंग द स्पिन काउंट प्रीवियसली हमने देखा कि स्पिन काउंट जो है एक इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ है इस लिहाज से कि आप क्रिटिकल सेक्शंस को स्पिन काउंट की मदद से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कितना स्पिन काउंट रखा जाएगा वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और स्पिन काउंट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जब भी आप अपने क्रिटिकल सेक्शन को इनिशलाइज करते हैं उस वक्त आप स्पेन काउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं तो स्पेन काउंट को ऑप्टिमाइज करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा सिस्टम कॉल्स नहीं परफॉर्म होंगी अगर सिस्टम कॉल्स नहीं परफॉर्म होंगी क्योंकि सिस्टम कॉल्स के काफ़ी हाई ओवर हैं तो सिस्टम कॉल अगर नहीं परफॉर्म करनी पड़ती तो उससे ऑफकोर्स ओवर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं तो आ, इसको आप स्पिन काउंट को क्या कर सकते हैं कि इसको इनिशियली भी सेट कर सकते हैं इसको एट रन टाइम डायनामिकली जो है तब भी आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर स्पिन काउंट को आप इनिशलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अनिशलाइज क्रिटिकल सेक्शन का फंक्शन है उसकी एक मॉडिफिकेशन अवेलेबल है इनिशलाइज क्रिटिकल सेक्शन एंड स्पिन काउंट इस फंक्शन को यूज़ करके आप स्पिन काउंट को भी साथ साथ जब आप अपने क्रिटिकल सेक्शन को इनिशलाइज करेंगे तो साथ साथ उससे एसोसिएटेड स्पिन काउंट को भी इनिशलाइज कर सकते हैं इसके अंदर एक और आपको एडिशनल स्पिन काउंट का पैरामीटर मिल जाएगा और उसकी वैल्यू आप स्पेसिफाई करके जो भी आप स्पिन काउंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एट रन टाइम अगर आप स्पिन काउंट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है सेट क्रिटिकल सेक्शन स्पिन काउंट यानी कि क्रिटिकल सेक्शन का जो भी स्पिन काउंट है अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं एट रन टाइम तो इस फंक्शन की मदद से स्पेसिफिकली आप स्पिन काउंट को सेट कर सकते हैं इसके लिए ये दो फंक्शन हैं इन दो फंक्शन को आप देख लें इसके अंदर काफ़ी लंबा नाम है इनिशलाइज क्रिटिकल सेक्शन एंड स्पिन काउंट इसके अंदर आप क्रिटिकल सेक्शन का लॉन्ग पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और साथ आप काउंट भी स्पेसिफाई करें और इसी तरह से सेट क्रिटिकल सेक्शन स्पिन काउंट उसी तरह से क्रिटिकल सेक्शन का आप रेफरेंस पास कर रहे हैं और साथ उसका काउंट आपको याद होगा कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए हैंडल नहीं यूज़ होता है, उसका रेफरेंस यूज़ होता है अगर मजीद आप इसको डिगअप करें एम एस डी एन वगैरह के अंदर देखें तो एम एस डी एन के अंदर आपको मिलेगा कि जी जो स्पिन काउंट की जो ऑप्टिमल वैल्यू है फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ अबाउट फोर थाउजेंड अगर फोर थाउजेंड के करीब रखें तो स्पिन दैट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर स्पिन काउंट लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है ये स्पिन काउंट की वैल्यू क्या रखनी है ये बेसिकली डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों के ऊपर ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है जिस पार्ट को आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखा हुआ है उस पार्ट की कितनी ड्यूरेशन है ऑफ़ एग्जीक्यूशन और आपके पास कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है आपके क्रिटिकल सेक्शन की या वो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसकी अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उस सूरत में आपको स्पिन काउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर ड्यूरेशन कम है तो स्पिन काउंट को आप कम रख सकते हैं तो ये ऑप्टिमली डिसाइड किया जाता है एट रन टाइम और इसको एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है कि एट रन टाइम आप स्पिन काउंट को चेंज करके देखें जो जिस स्पिन काउंट के साथ आपके पास अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं आपके पास आपको महसूस हो रहा है कि कम ओवर हेड्स महसूस हो रहे हैं तो उस पेन काउंट का फिर आप उस अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।